बच्चों को ये बताइए, ये इनका पुंसित था, स्टेप है पंच एंड ब्लॉक मिशन, यानी हम पंच को ब्लॉक कैसे करते हैं, अटैक कैसे करते हैं। ये है, अभी एक किक दिखाने जा रहे हैं बच्चे। ओके, ये है हाउस रन किक। इसका नेशनल लेवल पे कोई चैंपियनशिप आपने कराया है? यस सर, ऑलरेडी मेडलिस्ट है हमारे हर्षिता सिंह, अश्वानी सिंह, रुचि त्रिवेदी, तो इन लोगों ने मेडल वगैरह कुछ हासिल किए? यस सर, गोल्ड लगा है हमारा। और फिर अभी एसबीसी में नेशनल सिलेक्शन हुए हैं सरास यादव एंड ओसवी यादव, इस गर्ल एंड बॉयज। लुकिंग वेरी नाइस, they are suffering, they are playing with very hard training, that is very good. They are able to self protect themselves. ये सारे बच्चे अपने आप को self protection में रख सकते हैं। good, very good, बहुत अच्छे ये छोटे छोटे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। good. गार्जियंस को भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं। बाकी गार्जियंस को भी हम लोग देख सकते हैं, बात करते हैं इनको गार्जियंस से। सर आपका नाम? प्रमोद सिंह। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी है, बच्चों की तैयारी है, उसमें आप लोगों का मेहनत है, योगदान। हम लोग गाइड करते हैं। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से आप लोग बच्चों को प्रतिभा निखारने का काम कर रहे हैं अपने आप में बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? योगेश कुमार मिश्र। कैसा लग रहा है आपको स्कूल में? बदलापुर टाउन एरिया में इस तरह का आयोजन, यहाँ के गरिमामय व्यवस्था को महानगर से जोड़ना, इस तरीके का कार्यक्रम इलाहाबाद वाराणसी जैसे महानगरों में देखने को मिलता है। जो आयोजन आप लोगों ने किया है, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका विद्यालय और यहाँ के बच्चे मेधावी हो, आगे बढ़े, देश और विदेश तक नाम रोशन हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चों को भी देख सकते हैं, यहाँ देखने के लिए आए हैं, तो बच्चों से भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऊपर तक आप लोग जाके देखें? हाँ देख लिए। अच्छा, तो ठीक है, एंजॉय करिए आप लोग। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? या दिस
खाकरा नंगल डैम. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मिर्जा सानिया. मिर्जा सानिया. व्हाट इज योर नेम? कीर्ति. कीर्ति, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? Sania, can you tell me about the Bhakra Nangal Dam? Yeah, this is located on the Satluj River, on the Bilaspur village and in the village district of the Himachal Pradesh. And what is the utility of this dam? This is control over the flood and it is also use of the irrigation for the drinking water and milk. Thank you. Your structure is very good. Very, very good your structure is. Thank you very much.